हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरकेएम और आज हम लेंगे मैथ का टॉपिक बोट एंड स्ट्रिंग। इसके टाइप के क्वेश्चंस पे आने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और हम इसको इजी क्वेश्चन से लेकर के आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, पहले कॉन्सेप्ट की बात करें। सो फ्रेंड्स, बोट एंड स्ट्रीम के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है? तो आप एक चीज जानते हैं कि हमने जब टाइम एंड डिस्टेंस किया था तब एक चीज डिपेंड की थी कि जब भी इंडिविजुअल की स्पीड पे फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर कोई ट्रेन ए से चलती है, एक ट्रेन बी से चलती है, तो वो आपस में एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, बोट एंड स्ट्रीम में यही ट्विस्ट है कि एक की चाल दूसरे पे फर्क डालेगी। अब वो कैसे डालेगी? जैसे कि मान लीजिए बोट चल रही है, अगर वो वाटर स्टिल है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर कोई बोट चल रही है, जैसे नदी में चल रही है, तो नदी का बहाव, तो बहाव भी तो काउंट करेंगे। अगर वो नदी की दिशा में चल रही है तब तो वो बहाव उसे ऐड अप कर लेगा उसकी स्पीड के साथ। लेकिन अगर वो विपरीत दिशा में चल रही है तो वो घटा देगा उसकी स्पीड को, तो समय ज़्यादा लगेगा उसी दूरी को तय करने में जिसको वो नीचे की तरफ जाकर तय कर पा रहा था। तो एक चीज़ यहाँ से समझ आई हमें कि दो प्रकार की चीज़ें यहाँ देखी जाएंगी बोट एंड स्ट्रीम में, वो है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम, और हम इसको कह सकते हैं विद ऑब्लिक अलोंग स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम या विद स्ट्रीम का मतलब है कि पानी जिस दिशा में बह रहा है नदी का, उसी दिशा में बोट को लेके जाना। अगर उसी दिशा में लेके जाएंगे तो बोट के साथ में पानी की जो गति है वह भी ऐड हो जाएगी, यानी कि बोट की डायरेक्शन एंड वाटर की डायरेक्शन सेम है तो स्पीड बढ़ जाएगी, वो भी ऐड हो जाएगी किसकी? वाटर की। एंड नेक्स्ट जो आता है वो है अपस्ट्रीम एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम इज इक्वल्स टू बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस हो जाएगी। अब अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं, अगर ऊपर से बहाव आ रहा है और हम उसकी विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो अगर बोट ऊपर जाएगी इसका मतलब बोट की स्पीड ज्यादा है, और वो किस स्पीड को कैंसिल आउट करेगी? वाटर की स्पीड को। इसलिए ये तो कुल मिला के बोट एक तरफ जा रही है और दूसरी तरफ बहाव हो रहा है पानी का, और वो उसे चीरती हुई आगे की तरफ निकलती जा रही है। और इसी चीज को हम डाउन स्ट्रीम को हम धारा के साथ दिशा अनुकूल कुछ भी कह सकते हैं, या फिर अपस्ट्रीम को धारा के प्रतिकूल ये कह सकते हैं हम हिंदी के अंदर। सो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन देखते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम पे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बोट रोड डाउन अ रिवर एट 21 किलोमीटर पर आर एंड रोड अप द रिवर एट 9 किलोमीटर पर आर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम? और कहें तो एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो पानी की चाल ज्ञात कीजिए। सो फ्रेंड्स, सिंपल है, जो वो कह रहा है सिर्फ उसे लिख रहे हैं, जैसे तोड़ते हुए क्वेश्चन जो बोल रहा है उसे हम तोड़कर लिख रहे हैं। जैसे उसने कहा जब वो साथ चलते हैं, कौन कौन साथ चलेगा? एक तो बोट चलेगी और दूसरा वाटर चलेगा। जब साथ चल रहे हैं तो उनकी गति है 21 किलोमीटर पर आर। और उसके बाद वो कह रहे हैं जब विपरीत चलता है, किसके विपरीत? पानी के विपरीत। तो चल तो रहा है, इसका मतलब ज्यादा किसकी? बोट की। एंड उनकी स्पीड कितनी दे रखी है? 9 किलोमीटर पर आर। और हमें इस चीज़ को सॉल्व करना आता ही है कि हम इस चीज़ को माइनस, तो 2b इज इक्वल्स टू 21 प्लस 9 इज इक्वल टू 30, 30 डिवाइडेड बाय 2, b का वैल्यू आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। लेकिन फ्रेंड्स, हम इस चीज़ को लॉन्ग क्यों करते हैं? अब तक हमने ये देखा है कि रेशियो इस्तेमाल करके हम कैलकुलेशन स्मॉल कर रहे थे, इसमें भी हम इस चीज़ को स्मॉल करेंगे। जैसे कि जब हमें ये दिखे कि कोफिशियंट 1 है तो हम क्या करेंगे कि जो भी जोड़ आएगा उसका आधा कर देंगे, क्योंकि आना भी वही है, कैंसिल आउट 2b इज इक्वल्स टू 21 प्लस 9, वही चीज है। तो उसे हम क्यों ना फास्ट करें? तो फास्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम करेंगे जोड़ का हाफ, यानी कि ऐड करके हाफ, यानी कि कितना हुआ? 21 प्लस 9 30 बाय 2 15 किलोमीटर पर आवर। ये तो ही बोट की स्ट्रीम, बोट की स्पीड। और वो पूछ रहा है हमसे स्ट्रीम की स्पीड, तो वो है वाटर इज इक्वल्स टू, तो वाटर में क्या करेंगे? हम करेंगे
डिफरेंस किन दोनों का, इनका, और बाद में क्या करेंगे हाफ, तो हम हाफ करेंगे या फिर वैल्यू रखें बी की, जैसे वैल्यू 15 रखें तो W इज इक्वल 21 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर, चाहे जो करें 21 माइनस 9 और उसके बाद में हाफ कर दे तो 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा। ये इस तरह से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, तो अब तक हम इसी तरीके से करते चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है, ए स्विमर कैन स्विम डाउनस्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। अब स्विमर लिख दिया बोट की जगह पे, तो हम ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, हम सिंपली लेके चलेंगे, चलो मान लेते हैं हम बोट ही मान लेते हैं। तो वो कह रहा है कि बोट जब डाउनस्ट्रीम चलती है, और डाउनस्ट्रीम का मतलब हम जानते हैं कि बी प्लस डब्ल्यू, वाटर की स्पीड और स्विमर की स्पीड इज इक्वल टू कितनी दे रखी है इसके अंदर 14 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी दे रखी है वो है अपस्ट्रीम की स्पीड, और वो अपस्ट्रीम हमें पता है कि डब्ल्यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आर। तो हम इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, बी की स्पीड क्या होती थी, जोड़ का आधा 14 प्लस 6 माइनस डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आर, और वाटर की या स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालें तो वो करते थे डिफरेंस, यानी 14 माइनस 6 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी जो डिफरेंस का आधा इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आर। तो ये हमारी बोट और स्ट्रीम की स्पीड आ गई, या फिर स्विमर की स्पीड 10 किलोमीटर पर आर आ गई। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ये कह रहा है, द स्पीड ऑफ अ बोट बोटमैन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आर वाइल द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पहले हमें दोनों की एक साथ चीज देती थी, अब सिंगल चीज दे दी है, वो क्या, स्ट्रीम की स्पीड। तो अब भी हम फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, या फिर फॉर्मूला कहें तो हम सिर्फ याद रखने वाली बात है कि बोट और वाटर एक दिशा में जाते हैं तो ऐड होंगे, विपरीत दिशा में जाएंगे तो माइनस होंगे। तो हमें पता है कि थर्ड में ही कह रहा है कि बोटमैन की डायरेक्शन स्पीड से, यानी कि बी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 15, और वो कह रहा है कि जो बोट की वाटर की स्पीड है वो है 1.5 इज इक्वल्स टू 15, तो पी प्लस इज इक्वल्स टू बी की स्पीड क्या आ गई 13.5, यानी बोट की स्पीड 13.5 किलोमीटर पर आर। और वो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि बी माइनस डब्ल्यू कितनी है, तो 13.5 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू 12 किलोमीटर पर आर, हमारा आंसर आ गया। सो फ्रेंड्स, ये तो रहा क्वेश्चन का आंसर, जिसमें ये पूछा है स्पीड ऑफ द बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम, जो कि 12 किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है, ए स्विमर स्विम्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 6 आवर्स डाउनस्ट्रीम एंड डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लैंग्वेज वही है या अलग? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन सिर्फ ट्विस्ट हुआ है, जैसे कि हम जानते हैं कि डाउनस्ट्रीम बी प्लस डब्ल्यू होता है, और हमें पता है कि अपस्ट्रीम बी माइनस डब्ल्यू होता है। तो वो कह रहा है कि जब डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो ये क्या थी, स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करते थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 6, तो 6 किलोमीटर पर आर स्पीड आ गई डाउनस्ट्रीम। उसी प्रकार से 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 5, तो 5 किलोमीटर पर आर स्पीड आ गई अपस्ट्रीम, और हम इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे तो बोट की होगी जोड़ का आधा या ऐड का आधा, यानी कि 11/2 किलोमीटर पर आर बोट की स्पीड आ गई। और जब हम स्ट्रीम की स्पीड की बात करेंगे तो स्ट्रीम की स्पीड होगी डिफरेंस का आधा, यानी कि 1/2, 6 माइनस 5 1/2 किलोमीटर पर आर, जोड़ का आधा डिफरेंस का आधा, या फिर हम सॉल्व भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सो फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है, इन 3 आवर्स अ स्विमर कैन गो 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 15 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन सेम टाइम, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट की है कि टाइम पहले दे दिया किलोमीटर एंड अगेंस्ट। सो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें पता है कि डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू बी प्लस डब्ल्यू, बोट की और वाटर की स्पीड, और बी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू
अपस्ट्रीम स्पीड, तो डाउनस्ट्रीम में वो कह रहा है कि वो 3 घंटे में 21 किलोमीटर तय करता है, तो 21 किलोमीटर 3 घंटे में यानी 7 किलोमीटर पर आवर। और हमें पता है कि वो दूसरी चीज कह रहा है कि वो 15 किलोमीटर अगेंस्ट स्ट्रीम इन सेम टाइम, सेम टाइम मतलब 3 घंटे, तो 15 किलोमीटर इन 3 आवर्स दैट इज 5, यानी 5 किलोमीटर पर आवर। तो इससे हमें ये चीज पता चली कि बोट की स्पीड इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 7 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 6 किलोमीटर पर आवर। एंड बोट की स्पीड तो आ गई, अब वाटर की स्पीड क्या होगी या स्ट्रीम की स्पीड होगी, डिफरेंस 7 - 5 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1 किलोमीटर पर आवर। सो फ्रेंड्स, जोड़ का आधा, डिफरेंस का आधा, या सम डिवाइडेड बाय 2 और डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 हम कैसे भी निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए 6th क्वेश्चन छोड़ते हैं, 7th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 7th क्वेश्चन ये कह रहा है, ए बोट टेक्स डबल ऑफ टाइम टेकन बाय इट टू गो डाउन स्ट्रीम वाइल कमिंग इन अप स्ट्रीम इफ स्पीड ऑफ वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। तो वो कह रहा है एक नाव धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने से दुगना समय लेती है। अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात करो। सो फ्रेंड्स, इसे इसमें हमें एक चीज बता रखी है कि ये जो चीज कैलकुलेट कर रहा है, जो डिस्टेंस है वो सेम है। ध्यान से देखिए, जाने में समय जितना लग रहा है, आने में डबल, लेकिन दूरी तो सेम ही है। तो कुल मिलाकर के एक ही जगह पे घूम रहा है वो, यानी अपस्ट्रीम कर रहा है और डाउनस्ट्रीम कर रहा है। तो एक चीज हमें पता चली कि अपस्ट्रीम यानी B - W एंड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू B + W, जो कि बोट की और स्ट्रीम की स्पीड। तो हमें बोट का नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि जो बोट है वो जिस पानी में चल रही है उस पानी की गति 3 है, एंड ये स्पीड से वो कितने समय में उतनी ही दूरी तय करेगी जितना कि ये इस स्पीड से करेगा। कुल मिला के ये कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम जाने में जितना समय लगता है, जिन मान लेते हैं 1, उसका डबल समय अप स्ट्रीम जाने में लगता है। अब हमें पता ही है कि अब विपरीत दिशा में स्पीड कम हो जाएगी तो समय ज्यादा लगेगा, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है वो सेम। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 2B - 6 इज इक्वल्स टू B + 3 और B इज इक्वल्स टू 9 किलोमीटर पर आवर। तो ये फ्रेंड्स, ये तो हुआ 7th का आंसर। इस तरह से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। हम 8th क्वेश्चन देखें, तो 8th में कह रहा है ए मैन कैन रो विद स्पीड ऑफ 9 1/3 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में यानी कहने के ठहरे हुए पानी में स्पीड ऑफ अ मैन, तो इसका मतलब यही है ना कि स्पीड ऑफ अ मैन ओनली है, अगर वो अकेला तैरता है तो इतनी स्पीड से। वाइल गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम इट टेक्स हिम 3 times more time देन गोइंग विद द स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। पहले वाले में, इस वाले में यही फर्क है कि सिर्फ और सिर्फ पहले वाले में स्ट्रीम की स्पीड दे रखी थी, इसमें बोट या फिर मैन की स्पीड दे रखी है, और सेम है। तो आप करके देख लीजिए। बाकी 8th क्वेश्चन ये कह रहा है कि अप स्ट्रीम जाना और डाउन स्ट्रीम जाना यानी कि दोनों सेम डिस्टेंस है। तो ये पता चला कि 9 1/3, 9 3 = 27, 27 = 28/3। ओके फ्रेंड्स, तो 28/3 यानी कि B - W और B + W, तो बोट की स्पीड या स्विमर की या मैन की स्पीड इतनी है 28/3 माइनस बोट की स्ट्रीम ऑफ स्पीड तो पता नहीं है। तो हमें पता है कि 28/3 + W, तो जितना समय डाउन स्ट्रीम में लग रहा है, मान लेते हैं 1, उतना 3 गुना समय हमें लग रहा है अप स्ट्रीम आने में, यानी कि दोनों की डिस्टेंस अब हो गई बराबर। तो 28 - 3 W इज इक्वल्स टू 28/3 + W। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने चाहें तो हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, या फिर दूसरा ये है कि हम एक तरफ ले जाएं और ये 4W इज इक्वल्स टू 28 - 28/3 इज इक्वल्स टू 28 कॉमन ले लें, तो 1 - 1/3
टू फोर डब्ल्यू, तो सॉल्व करें तो फोर सेवन जा, तो W इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टू बाय थ्री, तो सेवन टू जा फोर्टीन, फोर्टीन बाय थ्री किलोमीटर्स पर आर हमारी स्ट्रीम की स्पीड आ गई। सो फ्रेंड्स इस तरह से हम एट क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर कह रहा है ए मैन कैन रो अ डिस्टेंस विद अ स्ट्रीम इन टू आवर्स एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम इन थ्री आवर्स, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज फोर किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट निकालनी है हमें स्टिल वाटर के अंदर, तो स्टिल वाटर कहें या सिर्फ बोट ऑफ की स्पीड एक ही बात है, तो अपस्ट्रीम जा रहा है और डाउनस्ट्रीम आ रहा है, तो बी माइनस डब्ल्यू और बी प्लस डब्ल्यू इन टू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो बी कितना है, बोट की कितनी दे रखी है स्पीड, हमें बोट की स्पीड नहीं पता लेकिन हमें ये पता है कि स्ट्रीम कितना है फोर की स्पीड से बह रही है, तो बी प्लस फोर। और वो बोल रहा है कि जितना समय उसे जाने में डाउनस्ट्रीम जाने में दो घंटे लगते हैं और आने में कितना समय लगता है तीन घंटे, तो ये डिस्टेंस हो गया, तो थ्री बी माइनस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू टू बी प्लस एट, हम एक तरफ जाएंगे तो बी इज इक्वल्स टू ट्वेल्व उधर, ट्वेंटी किलोमीटर्स पर आवर हमारी बोट की स्पीड आ चुकी होगी। सो फ्रेंड्स ये रहा नाइन्थ क्वेश्चन, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स टेंथ क्वेश्चन कहता है ए मैन टेक्स अ टोटल ऑफ टू आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ सिक्स किलोमीटर वाइल गोइंग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज फोर किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सो फ्रेंड्स वो कह रहा है एक नदी है, नदी का बहाव चार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है, और वो कह रहा है कि मैं अगर डाउनस्ट्रीम छः किलोमीटर जाता हूँ और अपस्ट्रीम वही छः किलोमीटर वापस आता हूँ तो जो मुझे टोटल समय लगता है वो लगता है दो घंटे। तो हम क्वेश्चन में समझे कि डाउनस्ट्रीम जाना प्लस अपस्ट्रीम आना टोटल समय टू आवर्स, तो कुल मिलाकर ये जो समय है वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड क्या होती है, बी प्लस डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू, तो हमें एक चीज पता चली कि डिस्टेंस है सिक्स किलोमीटर और स्पीड है बी प्लस डब्ल्यू और वो दे रखा है फोर प्लस सिक्स, यानी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बी माइनस फोर। तो जब हम इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे, जैसे कि हम सिक्स कॉमन ले लें, वन बाय बी प्लस फोर प्लस वन बाय बी माइनस फोर इज इक्वल्स टू टू वन थ्री। सो फ्रेंड्स हम एलसीएम लेते हैं, b माइनस फोर प्लस बी प्लस फोर डिवाइडेड बाय b प्लस फोर बी माइनस फोर इज इक्वल्स टू वन थ्री, और जब हम इसको सॉल्व करके इधर लेके जाते हैं तो हमें मिलता है b स्क्वायर माइनस सिक्सटीन इज इक्वल्स टू सिक्स बी, और b स्क्वायर माइनस सिक्स बी माइनस सिक्सटीन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, बी स्क्वायर माइनस, अब इसका फैक्टर करना है तो सिक्स बी, तो ऐसे क्या फैक्टर है कि मल्टीपल सिक्सटीन एंड एड सिक्स बी एट और टू, तो एट बी प्लस टू बी माइनस सिक्सटीन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, बी अगर कॉमन लें तो बी माइनस एट प्लस टू बी माइनस एट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो बी प्लस टू एंड b माइनस एट दो फैक्टर आ गए इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, तो b इज इक्वल्स टू माइनस टू जो कि हो नहीं सकता एंड b इज इक्वल्स टू एट, हमारा किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड मिल गई। ओके फ्रेंड्स तो ये तो हुआ हमारा डिटेल मेथड, डिटेल मेथड से कर सकते हैं या फिर एक और ऑप्शन से करने की टेंडेंसी है बाय ऑप्शन, क्योंकि हमारे पेपरों में ऑप्शन तो आ ही रहे हैं, तो ऑप्शन यहाँ नहीं है लेकिन वहाँ हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन दे रखे हों चार पाँच छः और आठ, तो अभी मैं पूछूंगा कि कौन सा ऑप्शन, तो आप बताएंगे एट, लेकिन सॉल्व नहीं किया होता तो कैसे करते। तो मान लेते हैं कि फोर आंसर है, तो फोर हम रख कर देखें तो फोर माइनस फोर ज़ीरो, तो ये तो सिक्स,
तो ये तो कम आ गई वैल्यू, क्योंकि ये तो हो जाएगा इन्फिनिटी, अनडिफाइंड है, तो वो चीज़ नहीं लेंगे हम, दूसरी लेंगे बी। अब ये तो हमें पता ही है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम में जाने में कम समय लगेगा, क्यों? क्योंकि गति तेज है, और अपस्ट्रीम में जाने में ज्यादा समय लगेगा। तो जब 5 रखते हैं तो 5 माइनस 1 1, तो ये 6 घंटे, 6 घंटे लेता है, जबकि ये कितने लेता है? इससे ज्यादा। तो कुल मिलाकर के ये चीज नहीं होगी। तो कुल मिलाकर जब हम 8 रखते हैं तो 8 माइनस 4 4, 4 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2 यानी 3 बाय 2, और जब इधर रखते हैं तो ये रखते हैं 8 प्लस 4 12, 1 बाय 2, 1 बाय 2 प्लस 3 बाय 2 2 आवर्स मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, हम इस चीज़ को मैच करवा सकते हैं ऑप्शन से रख करके, और हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगेगा, अप स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगेगा, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हम देखें 11th क्वेश्चन में कह रखा है, वाइल गोइंग पी टू क्यू अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड कमिंग बैक फ्रॉम क्यू टू पी विद द स्ट्रीम, इट टेक्स हिम अ टोटल 3 आवर्स। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू पी इज 4 किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर, देन द फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो एक जो चीज हमको दे रखी है वो है दूरी दोनों की, जो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम के बीच है, जो वो तय कर रहा है, और वो जो समय जो टोटल कर रहा है वो 3 आवर्स में कर रहा है। तो डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम टोटल वो 3 घंटे में ट्रेवल कर रहा है, और डाउन स्ट्रीम में 4 किलोमीटर जाता है किस स्पीड से? बोट प्लस वाटर, बोट माइनस वाटर अपस्ट्रीम। तो स्ट्रीम तो 4 डिवाइडेड बाय b प्लस कितनी देर की है स्ट्रीम की स्पीड, 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय b माइनस 1। सो फ्रेंड्स, डिटेल में हम कर सकते हैं, डिटेल में सॉल्व करना चाहें तो हम ऑप्शन से करते हैं। मान लेते हैं हमें ऑप्शन दे रखे हैं 2 3 4 और 5, तो हम मैच करवाएंगे कि 2, हमें पता है कि डाउन स्ट्रीम में समय कम लगेगा, अप स्ट्रीम में समय ज़्यादा लगेगा। तो 2 जब रखते हैं तो 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, 1 तो 4 आवर्स हो गया। लेकिन अगर इंडिविजुअल 4 आवर हो गया तो इसका मतलब ये तो इससे ज़्यादा हो गया, 3 आवर्स तो टोटल ले रहा है और 4 आवर ये अकेला ले रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो 3, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 2 आवर्स, एंड अब इसमें रखे 3, तो 3 प्लस 1, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 आवर्स, एंड 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 आवर। एंड फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3 किलोमीटर पर आवर हमारी आंसर आ गया। सो फ्रेंड्स, दोनों ऑप्शन है, आप जिससे करना चाहें उससे करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप डिटेल से करना चाहें तो डिटेल से भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो 6th क्वेश्चन छुड़वाया था वही क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए छुड़वाया था कि ये क्वेश्चन है बोट का, लेकिन जो कॉन्सेप्ट इसमें लगा है वो है टाइम एंड डिस्टेंस का। सो फ्रेंड्स, दोनों का कॉन्सेप्ट एक तरह से कैसे यूज करता है वो हम देखते हैं। टू प्लेसेस आर 108 किलोमीटर अपार्ट, टू बोट्स स्टार्ट फ्रॉम बोथ द प्लेसेस एट सेम टाइम टूवर्ड्स ईच अदर। इफ वन बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम देन द अदर वन इज गोइंग अप स्ट्रीम आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर इफ देयर स्पीड्स आर 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब दो स्थान 108 किलोमीटर दूर हैं, दो नाव अपने अपने स्थान से चली एक समय पर। फ्रेंड्स याद करिए, हम जो काम करते थे सेम पीरियड ऑफ टाइम और सेम टाइम पे जो होता था उसे लेकर, और एक नाव को दोनों तरफ एक दूसरे की 12 और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलती हैं, जो कि दे रखी है हमें स्पीड, तो बताइए कि वो कितना समय लेंगी आपस में मिलने में। और वही चीज़ हम करते थे ट्रेन में कि वो दो ट्रेन चल रही है तो वो आपस में कितनी देर में मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, हम इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करें तो हमें पता चलता है कि एक निर्धारित दूरी को हम, जो कि दूरी हमें दे रखी है 108 किलोमीटर, उसे इस तरफ से और उसे इस तरफ से दो नाव तय कर रही हैं और वो मिलने का समय पूछ रही हैं। तो इस तरफ से मान लेते हैं कोई चीज़ मान लो, या तो अपस्ट्रीम इसे मान लो या डाउन स्ट्रीम, क्योंकि उसमें ट्रेन की स्पीड मान लेते थे, लेकिन इसमें एक चीज़ जो फर्क आएगा वो कि स्पीड के साथ स्ट्रीम की स्पीड ऐड होगी और स्पीड के साथ स्ट्रीम की स्पीड सब्सट्रैक्ट भी होगी। तो फ्रेंड्स,
इस चीज का ध्यान रखें, एंड सिर्फ और सिर्फ यही ट्विस्ट है। तो मान लेते हैं ये चीज जो है वो डाउन स्ट्रीम है और ये जो चीज है वो अपस्ट्रीम है। ओके फ्रेंड्स, तो डाउन स्ट्रीम है तो इसका मतलब 12 किलोमीटर पर आवर से चलती है, तो प्लस वाटर की स्पीड, और अगर वो अपस्ट्रीम है तो अपनी स्पीड माइनस वाटर की स्पीड। ओके फ्रेंड्स, तो हमें पता चल गया है कि स्पीड कितनी है, दूरी कितनी है, और ये चीज हम देख चुके हैं कि रिलेटिव स्पीड के अंदर हम जो यूज करते थे वो था टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड। अब वो स्पीड हम जो रखते थे वो रखते थे एक दूसरे को निर्भर मान के, यानी कि रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ हो जाएगा 12 प्लस डब्ल्यू प्लस 15 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 108 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल्स टू 4 आवर्स। तो ये आ गया हमारा आंसर, क्योंकि 4 आवर्स के अंदर वो दोनों मीट कर पा रहे होंगे। और अगर ज़्यादा डिटेल दी हो क्वेश्चन के अंदर तो हम समय एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, और जो अभी हमें सिर्फ वो चलने के 4 घंटे बाद एक दूसरे से मिल लेंगे ये समय निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स के लिए जिनको ये आपको लगे कि उनके भी ये काम आ सकती है, एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट कर दीजिएगा जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि आपकी जो भी हम अपडेट रखेंगे अपने चैनल पे वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। एंड फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग।